हेलो गाइस, आप सब लोग का स्वागत है मेरे आज की नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है किचन से। तो थोड़ा नल बंद करोगे आवाज में। तो गाइस, आज हम कर रहे हैं चॉपिंग। तो गाइज, आज काफी टाइम बाद में किचन की वीडियो ला रही हूँ। मतलब पहले डालती थी ना मैं खाने की, जैसे बनाती थी। तो आज बन रही हमारी स्पेशल मैगी, वेजिटेबल मैगी। तो गाइज, मैगी नहीं, स्पेशल। तो मैगी तो मैंने बहुत खाई है, पहले भी खाई है, शादी से पहले अभी भी खाती हूँ। लेकिन ऐसी मैगी मैं पहली बार खाऊंगी, क्योंकि मैंने एक तो सिंपल मैगी खाई है, किसी का पानी में उबाला, मसाला डाला और खाया। 5 मिनट वाली। फिर जैसे कभी मूड आ गया कि हाँ यार अच्छे से बनाने, तो प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल के बना देती थी। लेकिन अब पहली बार इतनी सारी चीजें डाल के बिल्कुल भी आई थी मैगी बन रही है। मेन बात है कि आज घर पे सब चीज अवेलेबल है। हाँ, नहीं तो ऐसा होता ना कई बार की जैसे मटर है पर बीन्स नहीं होते है, बीन्स है तो धनिया नहीं होता है। तो इस बार मतलब जो चीजें हमें चाहिए सारी चीजें, पत्ता गोभी बची थी हमने वो भी डाल दी। फ्रिज में जितनी भी चीज सब्जियां थी हमने सारी निकाल के, तो पत्ता गोभी बची थी हमने पत्ता गोभी भी निकाल दी। तो गाइस, अभी बताती हूँ मैंने क्या क्या सामान तैयार करा है, और कटिंग भी बता देती हूँ कटिंग कौन कर रहे हैं। तो गाइस, कटिंग कर रहे हैं मेरे पतिदेव। तो दिखाती हूँ अभी क्या क्या कटिंग हुआ है। देखो गाइस, यहाँ पे हमने दो तरीके की मैगी रखी, एक येलो वाली और एक रेड वाली। तो ये मसाला भी मिक्स है, इसमें लाल मसाला और पीला मसाला दोनों मिक्स हैं, जो मैगी के अंदर पैकेट रहते हैं। और ये हमने दो पैकेट मैगी निकाली भी है। और देखो, ये टमाटर, धनिया, गाजर, मटर, हरी मिर्च, प्याज और पत्ता गोभी और बीन्स। तो गाइस, ये बीन्स है देखो, कितने अच्छे से इन्होंने कटिंग करी है, पता भी नहीं लग रहा है इतनी बारीक कटिंग, कितनी अच्छी कटिंग कर रखी है। देखो, मेरे को भी सीखनी पड़ेगी ऐसी कटिंग। देखो गाइस, सारी चीज़ें तैयार हैं। और ये मसाले, मसाले में कमी डालूंगी क्योंकि मसाले भी हैं। तो वैसे तो अगर मैगी मैगी बनाते तो यही मसाले काफ़ी रहते, लेकिन इतनी सारी चीज़ें तो थोड़ा बहुत नमक मिर्ची इधर से भी डालना पड़ेगा। तो ये मैंने तेल रख दिया है कढ़ाई में, और अब बनाते हैं मैगी। ये कर दिया है मैंने गैस चालू। तो गाइस, इन्होंने गैस भी चालू कर दिया है, तेल हमने डाल दिया। अब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें डालेंगे। और पीछे हमारी चाय भी बन रही है, चाय दिखा दो। अभी मैंने सब चीज़ें डाल के थोड़ा बंद रख करा है कि ताकि मैगी बन जाए, तो फिर गरम गरम चाय पियेंगे। तो गाइस, तेल गरम हो गया है, और सबसे पहले डाला हमने प्याज। उसके बाद टमाटर, अभी पहले प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद डालेंगे हम इसमें टमाटर। तो हमें यहाँ पे ब्राउन ऐसा नहीं है, कोई रेसिपी चल रही है, हम साथ में इसके ग्रीन चिली भी डाल देंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हमने डाला इसमें हरी मिर्च, और इसके साथ जाएंगे टमाटर। तो गाइस देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एक चम्मच हम नमक डाल देंगे। तो गाइस, थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। ये है कैक किचन का, थोड़ा नमक डाल देंगे इससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो गाइस, अब हमने थोड़ा सा एक मिनट तक उस टमाटर को गलाया, उसके बाद हमने डाल दिया इसमें गाजर एंड मटर। तो गाइस, हमने सारी सब्जियां धो के रखी हुई थी, धो के अच्छे से पानी मतलब निखार के, पानी निकाल के इनको अच्छे से प्लेट में रखा हुआ है। और अब हम एक एक करके सारी सब्जियां इसमें डाल रहे हैं। अब हम एक एक करके सारी सब्जियां डाल देंगे। ये हमने गाजर और मटर डाल दिया, उसके बाद डालेंगे हम बीन्स। तो डाले हमने बीन्स और साथ में पत्ता गोभी। ऐसा लग रहा आज बहुत बढ़िया। आपने खाई ऐसी मैगी पहले? नहीं, पहली बार खाओगे? मैंने आज तक नहीं खाई ऐसी मैगी।
और देखो काफी अच्छा हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कैसा लग रहा है अगर हम ये भी खाएं तो काफी अच्छा रहेगा। काफी सारी सब्जियां इसमें मिली है। देखो अगर हम ऐसी ऐसी भी बना सकते हैं, अगर हमें सब्जी बनानी हो कभी मिक्स वेज, तो हम ऐसी इसमें मिर्च मसाले डाल के एक सब्जी तैयार हो सकती है। लेकिन हम इसमें डालेंगे मैगी, तो मैगी हम डालेंगे लास्ट में जब गाजर मटर पत्ता गोभी वगैरह पक जाएगी, तो मैगी डालेंगे हम लास्ट में। क्योंकि अगर हम अभी मैगी डाल देंगे तो फिर मैगी गल जाएगी और टेस्ट नहीं आएगा। तब तक इसमें हम थोड़े डालेंगे तब मसाले। तक हम इसको पकाने के लिए रख देंगे। और पहले हम डालेंगे नमक, पहले का भी थोड़ा डाला हुआ है, और अब थोड़ा भी डालेंगे, थोड़ा डालेंगे देगी मिर्च, थोड़ा सा देगी मिर्च और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। हाँ, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी काटी है इसलिए हम कम डालेंगे। तो अपने स्वाद अनुसार डालें, जिसको स्पाइसी पसंद है तो वो ज़्यादा मिर्ची डाल सकता है, और जिसको स्पाइसी कम पसंद है तो उसके लिए हरी मिर्ची भी काफ़ी है। और ये हमने डाल दिया नमक भी, धनिया भी थोड़ा थोड़ा, सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और हम इसे पकाने के लिए रख देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के। अभी हम मसालों को अच्छे से इसमें मिला रहे हैं, मसाला ऐड हो जाएगा, थोड़ा पक जाएगा तो फिर हम इसमें थोड़ा सा हम इसमें मैगी मसाला भी डाल देंगे, और थोड़ा सा हम लास्ट के लिए रहने देंगे। थोड़ा सा तो जो हमने कटोरी में मैगी मसाला रखा हुआ था ये हमने डाल दिया इसमें, और ये थोड़ा सा बच गया ये हम बाद में डालेंगे, मैगी में हम बाद में डालेंगे और धनिया भी हम बाद में डालेंगे। तो देखो ये तीन चीज़ें हम लास्ट में ऐड करेंगे, अभी हम पहले इसको पकने के लिए रखेंगे। तो गाइस मसाले थोड़े भून चुके हैं, थोड़ा मसाले ऐड करेंगे पानी, पानी पानी को इतना रखे कि थोड़ा पक पक के ये रेडी हो जाए। तो गाइस इसमें हमने रख दिया ढक्कन ताकि थोड़ी देर पक जाए, और बाद में जब ये थोड़ा पक जाएगा, मटर और गाजर वगैरह पक जाएगा, उसके बाद हम मैगी डालेंगे। तो तब तक इसको पकने के लिए रख देते हैं। तब तक मैं जा रहा हूँ नहाने, तब तक ले बाय बाय। जल्दी से आओ फिर। गाइस जब तक मैगी बन रही है तो इन्होंने बोला कि तब तक आप मेरे लिए नमकीन पराठे बना दो, तो मैंने कुछ रोटियाँ बना दी मम्मी जी के लिए और इनके लिए नमकीन पराठे बना रही हूँ। और अभी हमने मैगी नहीं डाली, देखो मैगी यहीं पे है। अभी गाजर और मटर वगैरह पक रहे हैं, ये अभी पके नहीं है तो ये हल्की आंच पे रखे हुए हैं पकने के लिए, और इसमें बन रहे हैं नमकीन पराठे। तो जब तक वो बनते तब तक नमकीन पराठे और चाय भी बन जाएगी, फिर खाएंगे मैगी नमकीन पराठे चाय। मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, तब तक मैं बना देती हूँ नमकीन पराठे। तो गाइस आ गया हूँ मैं नहा के, हम करते हैं कार्रवाई आगे की। पक गए मटर। तो गाइस मटर हमारे ऑलमोस्ट पक चुके हैं, काफ़ी अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए जैसे आपको दिख ही रहा होगा काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं अपना बैलेंसिंग मैगी। मैंने भी नमकीन पराठे बना दिए, अंजलि जी ने भी नमकीन पराठे रेडी कर दिए, और अब हम डालेंगे जल्दी से मैगी और चाय रेडी करनी है। इसमें डालेंगे ये मैगी, मैगी पहले इसको यहाँ बचा देते हैं। धनिया अलग रख दो फिलहाल, इससे निकाल के पहले मैगी डाल दो, और अब हम डालेंगे इसमें मैगी 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 मैगी। तो गाइज हमने इसमें मैगी डाल दी, और अब हम थोड़ा इस मैगी को भी पकाएंगे इसमें, और आज की मैगी देखते हैं कैसी होती है। पहली बार खाएंगे हम ऐसी इतनी इतनी सारी चीज़ें डाल के मैगी। किस किस ने बना रखी है ऐसी मैगी कमेंट में ज़रूर बताएं, हम तो पहली बार टेस्ट करेंगे। टेस्टी होगा, सब्जियां तो जितनी मर्जी डालो उतना टेस्ट बढ़ता है नहीं। यस। तो गाइस थोड़ी देर अब मैगी को भी पकने के लिए रख देते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइज इसमें हमने मैगी थोड़ा जो पकने के लिए रख दी थी उसमें बचे हुए मसाले जो हमने बचाए थे अलग से,
ओ मैगी मसाला जो हमने बचा रखा था कि थोड़ा बाद में डालेंगे, तो अब इसमें हम ये बचा हुआ मसाला भी डाल देंगे और उसके बाद थोड़ी देर 5 मिनट मैगी को पकने देंगे। तब देखते हैं 5 मिनट पकने के बाद कैसे लगती है और तब दिखाते हैं आपको। तो गाइस इसमें मैंने धनिया भी डाल दिया है। हमारी ये मैगी बनके तैयार है, बस अब इसको गरम गरम परोसेंगे और मैगी के मज़े लेंगे। और ये हमारी चाय भी तैयार है। तो गाइस अब खाते हैं हमें मैगी। गाइस ये मैंने प्लेट में रख दिया, ये मम्मी जी के लिए फिक्की चाय, गुड़, रोटी और मैगी, ये मेरा है पराठा, चाय, मैगी, और ये मेरे पति देव का है, मेरे हस्बैंड का है। और अब मैं देती हूँ उनको बाहर पे, तब हम टेस्ट करके बताएंगे कैसे बनी है। तो गाइस मैगी रेडी हो चुकी है, देखिए क्या यमी मैगी है और क्या यमी चाय है और क्या यमी पराठे। और ये देखिए ये दोनों लगे हुए हैं इंजॉय करने में। कैसी बनी माँ? बहुत बढ़िया। तेरे को भी मैगी दी गई, दिखा। ये खा ले फोटो खींच के। बढ़िया बढ़िया चट फोटे। कैसी बनी है? और सुना है मस्त। तो गाइस लेट मी स्टार्ट प्लीज। और ये मैं हूँ हरी क्रिएटेड, जाता है मैगी बनाने का। थोड़ा सा मुझे और थोड़ा सा इनको और थोड़ा सा इनको थोड़ा सा इनको कैसे बनी है? तो गाइस आप भी ट्राई कीजिए मैगी रेसिपी, हमने आपको दे ही दी है और जरूर बनाइए, काफी सॉलिड बनेगी। और मसाला अपने हिसाब से, हम थोड़ा स्पाइसी अच्छा खाते हैं, नॉर्मल मीडियम स्पाइसी तो काफी अच्छी। तब तक के बाद आए।